गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 इन क्लास 4th. लुक हियर, पेज नंबर 29. ओके, लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट एक्सरसाइज. रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अपोस्ट्रॉफी आर अपोस्ट्रॉफी एस. ओके, द टेबल दैट बिलोंग्स टू द कारपेंटर. The answer is the carpenter's table. It means the owner of table is carpenter. Owner of table is carpenter. इसमें table का जो owner है वो carpenter है, इसलिए हमने उसको apostrophe s use करके write किया है. The carpenter's table, यानी carpenter का table. Next, the books that belongs to Radha. Answer, Radha's book. Look here. In your last video, you have studied the rules of possession. आपको last video में बताया गया है कि जहाँ singular noun होता है वहाँ हम apostrophe s का use करते हैं. Understood? Singular noun के पास हम apostrophe s का use करते हैं, और अगर plural noun होता है तो हम वहाँ पे सिर्फ apostrophe sign का use करते हैं. Next, the car that belongs to Rini, Rini's car. The pen that belongs to teacher, the teacher is singular noun, so we use apostrophe s. Next, the umbrella that belongs to Mr. Das. Look here, Mr. Das. After Mr. Das, I have not used the apostrophe s. After Mr. Das, I have not used the apostrophe s. Why? Because in your last video, you also studied about this rule. कि जब कोई singular noun s से end होता है, जब कोई singular noun s से end होता है, तो हम उसके last में भी apostrophe s का use नहीं करते हैं. जब कोई singular noun से end होगा, तो हम उसके last में भी apostrophe s का use नहीं करते हैं, only apostrophe sign का use करते हैं. Understood? Next, 6, the hat that belongs to the people. The people's hat. अब यहाँ people जो है वो plural noun है. अब हम इसके आगे apostrophe s use किए हैं. Why? हमने apostrophe s use क्यों किया है? मैं rule में तो मैंने ये बताया है ना कि plural noun के बाद apostrophe sign का use करेंगे. But some rules are different. कभी कभी हम प्लूरल नाउन के बाद भी अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं. किस कंडीशन में? जब वो प्लूरल नाउन एस से एंड नहीं होता है तो हम अपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज कर लेते हैं. लुक हियर द एग्जांपल. फॉर प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग एस वी पुट एन अपोस्ट्रॉफी एस. जब प्लूरल नाउन कोई एस से एंड नहीं होता है तो वहाँ हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर लेते हैं. लुक हियर, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेंस स्टोरीज, मेंस शर्ट्स. अंडरस्टूड? नाउ 7, द मग दैट बिलोंग्स टू माय ब्रदर, माय ब्रदर्स मग. नेक्स्ट, द कुशन दैट बिलोंग्स टू माय ग्रैंडमदर. द आंसर इज माय ग्रैंडमदर्स कुशन, बिकॉज माय ग्रैंडमदर्स इज अ सिंगुलर नाउन. दैट्स इट.